नवादा के पकरीबराव में सीएसपी संचालक से लूटकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराधियों के पास से 57,000 नगद, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद किया है। एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि 22 जून को पकरीबराव बाजार स्थित सीएसपी संचालक बैंक से निकलकर अपने सेंटर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की थी। घटना के बाद नवादा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। अपनी बरमा थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त होती है कि एक सीएसपी संचालक के साथ लूट की घटना घटी है, जिसमें 1,00,000 रुपया लूट लिया गया है। 2 मोटरसाइकिल से सवार 4 अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरे द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है डीपीओ पकड़ी बरमा के नेतृत्व में, जिसमें SHO पकड़ी बरमा, IO और DIO के टीम मेंबर्स को शामिल किया जाता है और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन करें। 5 दिन बाद इस कांड का अपूर्ण उद्भेदन हो चुका है। इस संबंध में 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 57,000 रुपये जो है वो पैसा बरामद कर लिया गया है। 2 मोटरसाइकिल जिससे अपराध की घटना घटी थी वो बरामद कर लिया गया है। 1 पिस्टल और 4 गोली बरामद कर ली गई है। साथ में 3 अन्य मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया है और इन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस घटना का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है धनदेव। धनदेव जो है CSP प्रभारी के, CSP संचालक के यहाँ करीब 1 साल पहले काम करता था और वो जानता था कि वो कैसे काम करता है। एक दूसरा लड़का है धर्मजीत, जिसको जिसके बहन की शादी थी और उसको पैसे की जरूरत थी। धर्मजीत धनदेव के पास जाता और बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। धनदेव के द्वारा बताया जाता है कि CSP संचालक है, वो रोज लेकर जाता है 1 से 2 लाख रुपया और उसे आसानी से लूटा जा सकता है। वो उसका फोटो उपलब्ध कराता है, उसका मोबाइल नंबर उपलब्ध कराता है, जिसके कारण धर्मजीत अपने साथी उत्तर, गोल्डी और शुभम और गुड्डू इन 5 लोगों के साथ घटना के 1 दिन पहले रेकी करता है। जाकर देखता है कि CSP संचालक कब बैंक से निकलता है और किस तरफ जाता है। और अगले दिन ये लोग एक पिस्टल, एक जगह इकट्ठा होते हैं 1 पिस्टल और 4 गोली के साथ, और फिर रास्ते में उसको रोककर उसे 10,00,000 के इनामी हार्डकोर नक्सली अरविंद भुइयां को CRPF बटालियन कोबरा के जवान और गया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद भुइयां के साथ उसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गया SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अरविंद भुइयां झारखंड और बिहार के कई नक्सली कांडों में सक्रिय रहा है। उन्होंने बताया कि अरविंद भुइयां को विराज गांव से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से देसी पिस्टल, 35 राउंड गोली, 2 मैगजीन, 1 रेडियो, 1 होल्स्टर, 6 मोबाइल, डायरी, सिम कार्ड को भी बरामद किया गया है। अरविंद भुइयां 100 से अधिक नक्सली कांडों में वांछित रहा है। अरविंद भुइयां पर बिहार सरकार की तरफ से भी 50,000 रुपये का इनाम है। लगातार गया जिला में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। गया पुलिस के द्वारा जो CRPF 159 बटालियन, कोबरा 205 बटालियन तथा अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए यहां पर लगातार छापेमारी किया जा रहा है। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि झारखंड तथा बिहार राज्य में कई कांडों में वांछित कुख्यात नक्सली हैं अरविंद भुइयां, जो कि जोनल कमांडर भी है नक्सल ऑर्गेनाइजेशन का इस क्षेत्र का। वो गया जिले के सोहेल थाना क्षेत्र के विराज में छुपा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SDPO इमामगंज, एडिशनल SP ऑपरेशन तथा CRPF 159 बटालियन एवं कोबरा बटालियन के पुलिस पदाधिकारी और बल, अन्य गया पुलिस के पदाधिकारी एवं बल के साथ वहां पर छापेमारी जब के लिए उन्होंने अभियान चलाया तो सुहेल थाना क्षेत्र के विराज गांव से एक व्यक्ति जिसका नाम है कपिल के पास एक व्यक्ति और पकड़ाया। उनके द्वारा पहले पुलिस को देख कर दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था और उसके द्वारा बताया गया।
दानापुर पुलिस ने दानापुर थाना क्षेत्र के जनकधारी लाल रोड स्थित एक घर पर हुए ऑटो चालक हत्याकांड का खुलासा किया है। मृतक ऑटो चालक अख्तर का बड़ा भाई मामुद्दीन उर्फ बंगाली ही अपने भाई का हत्यारा है। कांड का खुलासा करते हुए सिटी SP वेस्ट ने बताया कि मामुद्दीन उर्फ बंगाली ने ही पैसे के खातिर अपने भाई की हत्या की। उन्होंने आगे बताया कि मृतक अख्तर का बड़ा भाई मामुद्दीन उर्फ बंगाली जनकधारी लाल रोड स्थित जिस घर में रहता है उस घर को 1,20,00,000 में बेचने के लिए किसी से एग्रीमेंट कर रखा था, जबकि उसका छोटा भाई अख्तर बार बार पैसे का डिमांड करता था। इसी दौरान चलते बंगाली ने अपने एक सहयोगी तनवीर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि अख्तर की हत्या बीते 17 जून को उसके घर में ही कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गोली और खोखा भी बरामद किया। दिनांक 17/6/23 को दानापुर में एक मोहम्मद अख्तर नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसमें उन्हें गोली मार के हत्या की गई थी। उस समय जो प्राथमिकी है वो अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी। जब उसका अनुसंधान किया गया तो पाया गया, उस अनुसंधान में जितनी टेक्निकल टीम थी, CCTV फुटेज थे और भी जो आसूचना थी, फिजिकल इंटेलिजेंस जिसको कह सकते हैं, उन सारे को मिला करके जो इसके वादी थे इमामुद्दीन उर्फ बंगाली, उससे पूछताछ